Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत स्नातक स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन आया है, तो इस संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है उसके बारे में बताया जाएगा, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्नातक स्तरीय 10th 12th लेवल UKPSC के एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC बैंक रेलवे ग्रुप सी ग्रुप डी आदि एग्जाम्स के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें, और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट आया है, उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग रायपुर थानो रोड निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून 248008 13 अक्टूबर 2023 का नोटिफिकेशन है। चयन हेतु विज्ञापन, उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 13 अक्टूबर 2023, ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 23 अक्टूबर 2023, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवम्बर 2023, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अवधि 27 नवम्बर से 3 दिसंबर 2023, लिखित परीक्षा का अनुमानित समय तिथि दिसंबर 2023। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है इसके बारे में जानकारी दूंगा, जो एग्जाम का पैटर्न होता है और इसका जो सिलेबस है, ताकि जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा को देना चाहते हैं उनकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है, उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें। लिखित प्रतियोगी परीक्षा सामान्य व OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अर्हता अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्हे माने जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है। ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के OMR उत्तर पत्रक OMR सीट ट्रिप्लीकेट में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। OMR उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी अपने को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से ही दी जाएगी, और इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को 4 उत्तर विकल्पों में से 1 सर्वोत्तम सही का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 1 गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 ऋणात्मक अंक के रूप में काटा जाएगा, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और आयु इसमें 21 से 42 वर्ष है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका जो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है सिलेबस होता है इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, ताकि जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दे रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। परिशिष्ट 1 भाग 1 स्नातक स्तरीय सामान्य प्रश्न पत्र परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विषय सामान्य हिंदी भाषा एवं साहित्य अंक 20। तो सामान्य हिंदी में जो टॉपिक्स आएंगे, पहला है भाषा एवं हिंदी भाषा, दूसरा है लिपि एवं वर्णमाला, तीसरा है हिंदी वर्तनी स्पेलिंग, चौथा है शब्द संरचना, पांचवा है शब्द भंडार, छठा है संधि,
सातवां है वाक्य परिचय, आठवां है अलंकार मुहावरे लोकोक्ति परिचय एवं वाक्य प्रयोग, नवा है पत्र लेखन टिप्पण प्रारूपण विज्ञप्ति सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, दसवां है जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार, 12वें पे पद 13 गद भाग दो, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन अंक 40 भाग दो का मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति रीजनिंग। इसमें जो इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न नवीन परिस्थितियों को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने, तर्क करने की योग्यता तथा दीर्घकालिक स्मृति का मापन करना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो बौद्धिक क्रियाओं, सामाजिक बुद्धि, गणितीय योग्यता, शाब्दिक एवं अशाब्दिक तार्किक शक्ति, मूर्त एवं अमूर्त तार्किक शक्ति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तार्किक शक्ति, आरेखण अनुदेशों को समझने तथा समानताओं व असंगतताओं का पता लगाने से संबंधित है, जिसकी विषय वस्तु निम्नलिखित है। अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, पहला दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, दूसरा श्रृंखला, तीसरा सादृश्यता, चौथा वर्गीकरण, पांचवा कागज मोड़ना, छठा कागज काटना, सातवां आकृति निर्माण, आठवां आकृतियों की गिनती, नौवां सन्निहित आकृतियां, दसवां आकृतियों की पूर्ति, 11 आकृति आव्यूह, 12 समरूप आकृतियों का समूहीकरण। शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, पहला वर्णमाला परीक्षण, दूसरा कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण, तीसरा भिन्नता की पहचान, चौथा सादृश्यता, पांचवा श्रृंखला परीक्षण, छठा क्रम व्यवस्था परीक्षण, सातवां दिशा ज्ञान परीक्षण, आठवां अंक एवं समय क्रम परीक्षण, नवा निगमात्मक परीक्षण, दसवां रक्त संबंध परीक्षण, 11 गणितीय चिन्हों को कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना, 12 धारणा परीक्षण, 13 कथन एवं तर्क, 14 वर्गीकरण, 15 आलेख वेन डायग्राम, 16 गणितीय संक्रियाएं, 17 आव्यूह मैट्रिक्स, 18 बैठक परीक्षण, 19 आंकड़ों की पर्याप्तता, 20 इनपुट आउटपुट पासवर्ड कंप्यूटर से संबंधित, 21 संख्या एवं अवधि निर्धारण, 22 कैलेंडर, 23 कथन निष्कर्ष एवं निर्णयन, 24 न्याय निगमन, 25 पहेली परीक्षण, 26 समस्या समाधान, 27 सामाजिक बुद्धि नैतिक आचार विचार, 28 शब्द निर्माण, 29 लिपिकीय अभि क्षमता। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिलेबस, यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यूनिट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिट 3 सॉफ्टवेयर पैकेजेस वर्ड प्रोसेसिंग, यूनिट 4 वर्किंग विद इंटरनेट, यूनिट 5 साइबर सिक्योरिटी, भाग 2 का इतिहास, भारत एवं विश्व, प्राचीन भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन व बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, अरब व तुर्की आक्रमण, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन, बहमनी व विजयनगर राज्य, मुगल काल, मराठा व सिख, आधुनिक काल, यूरोपियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1935, विश्व का इतिहास, भाग 2 का भूगोल, भारत एवं विश्व, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भाग 2 घा राजनीति विज्ञान, पहला राष्ट्रीय आंदोलन, आ राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण, फर्स्ट भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान, सेकंड भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव प्रारंभ, थर्ड सन 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फोर्थ भारत में छापे खाने का प्रारंभ, फिफ्थ भारत का आर्थिक शोषण, सिक्स भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना 1885, सेवंथ बंगाल का विभाजन 1995, एट स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की अभिनव भारत संस्था, बार असहयोग आंदोलन, सा सविनय अवज्ञा आंदोलन, दा भारत छोड़ो आंदोलन या भारत का विभाजन, दूसरा गांधीवाद गांधीजियम, खा गांधी के सामाजिक विचार, गांधी के आर्थिक विचार, तीसरा भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी का, भारतीय संविधान की विशेषताएं,
खा मौलिक अधिकारों की अवधारणा, गा मौलिक कर्तव्य, धा नीति निर्देशक तत्व आधारभूत अवधारणाएं, भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण, मानवाधिकार, शस्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण, दक्षिण एशिया, सार्क, डोडा, अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, भाग 2-4, राष्ट्रीय राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भाग 3, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, अंक 40, पहला उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, दूसरा उत्तराखंड का इतिहास, तीसरा उत्तराखंड जल स्रोत, चौथा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पांचवा उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, छठा उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, सातवां उत्तराखंड में शिक्षा, आठवां उत्तराखंड में पर्यटन, नवा उत्तराखंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दशाएं, दसवां राज्य की साम्राज्य प्रशासनिक व्यवस्था व महत्वपूर्ण योजनाएं पहले, 11 राज्य द्वारा जारी सांख्यिकीय आंकड़े तथा उससे संबंधित विषय, 12 उत्तराखंड में जैव विविधता, 13 अन्य विविध विषय। तो ये सिलेबस है उत्तराखंड में जो वैकेंसी आई है ग्रेजुएट लेवल की उसके संबंध में, और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स के लिए, 10th 12th लेवल एग्जाम्स, UKPSC के एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी, NDA, CDS, IAS, PCS आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।